कहते हैं सब वेद पुराण एक वृक्ष 10 पुत्र समान। इस कहावत को पूर्ण करने के लिए पर्यावरण का संरक्षण करना बेहद जरूरी है। और कुछ ऐसा ही नज़ारा दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 18 में देखने को मिला, जहां एक सामाजिक संस्था स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा लोगों को पर्यावरण को बचाने का नारा देते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर संस्था की टीम ने रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन पर एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से न सिर्फ पेड़ ना काटने की सीख दी, बल्कि उन्होंने इस नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की भी अपील की, ताकि पर्यावरण को हरा भरा रखा जा सके। साथ ही तमाम पोस्टर के माध्यम से भी लोगों तक यह संदेश पहुँचाने का प्रयास किया गया कि अपने आस पास का वातावरण को हरा भरा रखें। सर, स्काउट एंड गाइड ने सर वृक्षारोपण आंदोलन चलाया है, जिससे इस देश भारत के और दिल्ली का एनवायरनमेंट चेंज हो। और सर, हमारा स्काउट एंड गाइड का उद्देश्य यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेड़ों को लगाएं। और सर, हमने एक बंजर ज़मीन को हरियाली, बंजर ज़मीन को एक पार्क और अच्छा रूप इसको बनाने का निर्णय लिया है सर, संकल्प बनाया हमने। कि सबसे पहली बात कि बच्चों ने जो आज पेड़ लगाने का स्काउट एंड गाइड की तरफ से जो ये काम किया है, ये सबको करना चाहिए। वातावरण हम लोगों को चाहिए। अगर जीवन आप जी रहे हो तो इसमें इनका बहुत ज़्यादा रोल है। कुल मिलाकर इस वृक्षारोपण कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों तक अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संदेश देने का प्रयास किया गया, ताकि आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखा जा सके। यूनिवर्सल न्यूज़ के लिए दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट।